व्हाट्स अप गाइस एंड मस्ती ब्लॉग बैक इन वीडियो बेबी। सो हे गाइस, तो आज की अपनी वीडियो रहने वाली है मोटो ब्लॉगिंग सेटअप के ऊपर। तो मैं आज आपको सबको बताने वाला हूँ जो आपका जो बजट है उस बजट में आप आपका जो मोटो ब्लॉगिंग सेटअप कैसे तैयार कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, ये वीडियो जिनके पास गोपुर है उनके लिए भी है और जिनके पास गोपुर नहीं है वो फ़ोन से शूट करना चाहते ये वीडियो उनके लिए भी। तो ये वीडियो एंड तक देखना, इसमें कुछ टिप्स बताऊँगा मैं जो आपके लिए फुल एक नंबर है। आप वो ट्राई करोगे तो आपको 100% उसका रिजल्ट भी मिलेगा। तो चलो चलते विदाउट वेस्ट टाइम वीडियो की तरफ। मोटो ब्लॉगिंग के लिए जो एक्सेसरीज चाहिए वो यहाँ पे सब अवेलेबल है। पहली बात तो आपको अच्छा खासा एक हेलमेट चाहिए जो कि आपके सर में अच्छी तरीके से फिट हो। आपका जो गोप्रो नहीं तो जो आपका फ़ोन है वो गिरे ना, इसका ध्यान रहना चाहिए। लूज़ ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आपको एक लगने वाला है ये बेल्ट, जो कि आपको अमेज़ॉन नहीं तो फ्लिपकार्ट पे आराम से मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके उसको बाई कर सको। और अभी इसको मैं अभी आपको अटैच करके देख लो, ये मेरे पास है गोप्रो फाइव करके, इसका भी मैं एक रिव्यू वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चलो अभी इसमें अटैच करते हैं। पहली बात तो देख सकते हो चुका है। बाद में मेरे पास इसके जो उसका माइक है, जो गोप्रो का माइक आता है वो बहुत महंगा आता है, 4.5-5 कभी कभी तो 6-7 हज़ार में भी आ जाता है। इसलिए मेरे पास इतना बजट नहीं था, इसलिए मैंने एक केबल यूज़ किया है माइक के लिए। और इससे जो साउंड क्वालिटी वो भी अच्छी खासी आ जाती है। तो अभी मैं आपको दिखा के लगा के दिखाता हूँ, बाद में इसका टेस्ट आप भी लेंगे। तो चलो चलते। नीचे मैंने इसकी केबल रखी जो इसका माइक है, इसके अंदर ऑलरेडी फिट है सब कुछ। मैं एक मिनट इसका माइक निकालता हूँ। ये देखो, ये रहा इसका माइक। तो माइक की केबल इसमें अभी अटैच करेंगे। एक मिनट देखो, ये रहा माइक। हाँ, माइक की केबल अभी अटैच हो चुकी है, देख सकते हो। अपना जो गोप्रो ऑलरेडी एक नंबर हो चुका है। अभी जाएंगे इसका टेस्ट ड्राइव, इसका जो टेस्ट ड्राइव है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जाते, चलो फटाफट चलते। सो हे गाइस, तो अभी हम निकल चुके हैं। अभी यहाँ से सीधा जाएंगे 1.5-2 किलोमीटर और देखेंगे जो कुछ एक्सपीरियंस मेरा रहेगा मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। और पहली बात तो इसका जो नॉइज़ है वो भी अच्छा आ रहा है और जो वीडियो क्लियरिटी है, मेरे पास गोप्रो 5 है, इसकी वीडियो क्लियरिटी भी आप देख सकते हो एक नंबर, एकदम ऑसम आ रही है। ऐसा नहीं है कि बाबा हाँ कुछ एडिटिंग करने की ज़रूरत है, पूरा एकदम ग्राफिक्स वीपिक्स सब एक नंबर आ रहा है। और हाँ, जो भी मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं मैं उनसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके पास फ़ोन है तो ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ अब जो आपका जो फ़ोन है आप फ़ोन से भी ज़्यादा बहुत ग्रो कर सकते हो अगर आपने सोचा तो। तो अगर आप मोटो ब्लॉगिंग के लिए इंटरेस्टिंग हो तो आप मोटो ब्लॉगिंग का जो सेटअप है, जैसा भी आपका है आपका बजट, उस बजट में आप थोड़ा सा बजट आपका इधर उधर करके आप वो बजट बना कर आपका मोटो ब्लॉगिंग का जो सपना है वो ज़रूर पूरा कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग आपको हिट ही मिलने वाला है। सो हे गाइस, तो वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा आपका, आप मुझे बताना ज़रूर कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलो चलते हैं।